खड़ा नहीं रह पाता था। जब भी मैं खड़ा रहता तो नहीं लगता था, लचकपन स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी होती थी, और चलते हुए भी कभी कभी नी लॉक हो जाती थी। सो जब मैं इनिशियली डॉक्टर आपका वीडियो देख के ही आया, तो मैंने पहले भी डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो दे डायरेक्टली सेड कि यू गो फॉर द ऑपरेशंस। तो फिर मैं अभी ऑपरेशन के लिए जाना नहीं चाहता था, सो आई कंसल्टेड यू। टुडे ही इज कमिंग फॉर सेकंड स्टेज। अब इनसे जानते हैं कि पहले की कंडीशन क्या थी और आज की कंडीशन में क्या फर्क इनको नजर आया। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा लेजरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथ डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। रिजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स की श्रृंखला में आज हमारे पेशेंट है मिस्टर अंकित शाह है, और इनको नी इंजरी हुई थी, नी जॉइंट के अंदर ऑन द लेफ्ट साइड। और इनकी जब इन्होंने MRI कराई तो उसके अंदर निकला ग्रेड 2 ACL टीयर विद मिनिमल जॉइंट डिफ्यूजन। सो वी हैव एग्जामिन हिम थोरोली प्रीवियसली ऑन प्रीवियस विजिट। उस समय इनको थोड़ा लचकपन था घुटने के अंदर। द मेन इशू वॉज इंस्टेबिलिटी, पर वो इंस्टेबिलिटी ऑन एग्जामिनेशन वॉज नॉट सो सिवियर, और डिफ्यूजन था। एंड वी हैव गिवन हिम बोथ ऑप्शंस, कि एक होता है सर्जिकल इंटरवेंशन, जब हम बोलते हैं कि ACL टीयर में हमें सर्जरी करानी है ग्रेड 2 के अंदर, और एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट ACL ग्रेड 2 में पेशेंट कब कराएं? नंबर वन, अगर पेशेंट को सिवियर पेन है ऑन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो चुका है, स्टिल पेशेंट हैज वेरी सिवियर पेन। नंबर टू, अगर पेशेंट को इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और ऑन एग्जामिनेशन ऑल्सो वी फाइंड आउट इंस्टेबिलिटी है, सो दैट पेशेंट को हम एक अर्थराइटिस से बचा सके लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आते हैं। और थर्ड होता है कि अगर पेशेंट को लैक्सिटी भी नहीं है, पेन भी नहीं है, या थोड़ी लैक्सिटी है लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज हैं या फिर जो उनका जॉब है वो हाई डिमांडिंग जॉब्स है, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर है, कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम सर्जिकल इंटरवेंशन भी जा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर ACL ग्रेड 2 के अंदर, यानी कि पार्शियल ACL टीयर के अंदर, बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के इसको ठीक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ PRP प्रोलोजन थेरेपी। सो वी हैव इंजेक्टेड फर्स्ट ऑन 21 डेज बैक। हमारा जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर हम 21 दिन के गैप पे इसको लगा रहे होते हैं। टुडे ही इज कमिंग फॉर सेकेंड स्टेज। अब इनसे जानते हैं कि पहले की कंडीशन क्या थी और आज की कंडीशन में क्या फर्क इनको नजर आया। सो जब मैं इनिशियली डॉक्टर आपका वीडियो देख के ही आया, तो मैंने पहले भी डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो दे डायरेक्टली सेड कि यू गो फॉर द ऑपरेशंस। तो फिर मैं अभी ऑपरेशन के लिए जाना नहीं चाहता था, सो आई कंसल्टेड यू। सो आई एम फ्रॉम दिल्ली। उस समय प्रॉब्लम ये थी, जब मैं जैसे मैं बहुत देर स्टेबल खड़ा नहीं रह पाता था, जब भी मैं खड़ा रहता तो नी लगता था, लचकपन स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी होती थी, और चलते हुए भी कभी कभी नी लॉक हो जाती थी। तो जब जॉब पे भी जाते थे तो अफेक्ट होता था। हाँ, वो तब होता था, स्टेयर्स पे चल, हाँ कभी कभी जैसे मैं चल रहा हूँ तो नी कभी कभी लॉक हो जाती थी। लेकिन आफ्टर द फर्स्ट सेशन तो मेरे को बहुत रिलीफ मिली, मतलब अब मैं इतना स्टेबिलिटी, जितना ऑन अगर मैं 100 में स्केल करूँ तो 25% आई एम एबल टू स्टैंड, मतलब जहाँ मैं पहले बिल्कुल ही स्टैंड नहीं कर पा रहा था वहाँ मैं 10-15 मिनट आराम से स्टैंड करता हूँ। जो इंस्टेबल लचकपन जो आपका लगता था उसके अंदर, हाँ उसमें भी है मेरे को मिला। बीच में आपने लॉकिंग फील किया कि आपको लॉकिंग हो रही है? नहीं, अभी तो नहीं फील किया मैंने। सो एज कम्पेयर टू योर राइट नी, अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा इसके बराबर आ रहा है? हाँ, इट्स कमिंग क्लोजर टू द राइट नी। एंड यू आर डूइंग एक्सरसाइजेस आल्सो? एक्सरसाइज फिजियोथेरेपीज? नहीं, एक्सरसाइज करते समय उनको कुछ भी नहीं होंगे। सो वी यूजुअली, आई जस्ट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि वी यूजुअली गिव 4-6 सिटिंग्स पर मिनिमम, 3-4 सिटिंग्स आर रिक्वायर्ड एट इंटरवल ऑफ 21 डेज, 21 टू यू कैन से 3-4 वीक्स। अब इसका PRP एक ऐसी चीज हो चुकी है कि आज के टाइम में एवरीवन इज यूजिंग, बट कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर रखा, कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहे कि भाई किस प्रोटोकॉल से हम इसको फॉलो करें। How we are different, we are using the standard protocols for ACL. ACL में meniscus tears के अंदर usually जो standard protocol है वो 21 days का होता है, कि 3 weeks के ऊपर, because जब भी हम PRP को डाल रहे हैं, it take healing, it need to do healing, and ये mild inflammation भी cause करता है, and mild inflammation के बाद healing cascade will start, and healing cascade जब start होता है तो it takes 3 weeks, minimum 3 weeks are required. Scientifically 3 weeks are required. वो healing cascade जब start होता है, it lead to formation of immature collagen, और वो immature collagen को mature होने के अंदर time लगता है। And along with PRP हम इनमें inject करते हैं ozone, ozone एक antioxidant की तरह potent active oxidant की तरह काम करता है, oxygenation को बढ़ाता है और healing के अंदर और fast healing help करता है। So friends, इस तरीके से हम
टोलोजोन थेरेपी करते हैं ताकि पार्शियल एसीएल टीयर, मेनिस्कस टीयर्स, किसी को ग्रेड वन ग्रेड टू मेनिस्कस टीयर्स हैं, किसी को स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, किसी को शोल्डर रोटेटर कफ इंजरीज हैं, सारी कंडीशंस के अंदर पीआरपी प्रोलोजोन थेरेपी को यूज किया जा सकता है। इनके माध्यम से आप एक सर्जरी से बच सकते हैं और एक एक्टिव लाइफस्टाइल कंप्लीट तरीके से लीड कर सकते हैं। इसके साथ में पेशेंट को वेरी मिनिमम मेडिकेशन, बेसिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट एंड फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन इज द की टू सक्सेस। एंड वी आर नाउ वर्किंग ऑन इज वीएमओ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। जैसे कि फर्स्ट सिटिंग के बाद ही वो कह रहे हैं कि लचकपन में 20-25% की कमी आई है, 22-25% इज अ गुड प्रोग्रेशन। With every sitting, the progression will increase. So I am very much confident कि बिना surgical intervention के इनका ये चीज़ ठीक हो जाएगा। So friends, आपको आपके जानने वाला में किसी में इस प्रकार की problem है, किसी को partial ACL tear है, meniscus tear है, rotator cuff injuries है, ankle injuries बहुत common होती है sports के अंदर, जब हम badminton खेले, tennis खेले, suddenly there is a twist, और normally भी routine life के अंदर बहुत commonly हमारा ankle twist होता है, तो ankle twisting के बाद वहाँ पे deltoid ligament injury या हमारे joint instability होती है, तो prolotherapy is a very good for जॉइंट इंस्टेबिलिटी, और ये परमानेंट क्योर करता है क्योंकि आपकी बॉडी को हम हीलिंग का मौका दे रहे हैं कि बॉडी के जितने लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, वो दोबारा से खुद हील करते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोलोथेरेपी, इज प्रोलीफरेशन थेरेपी। सो ये रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स का हिस्सा होते हैं और आज के टाइम में रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स का जमाना है। पहले हम कहते थे कि कार्टिलेज एक बार डैमेज हो गया तो रिपेयर रीजनरेट नहीं होता, लेकिन आज के टाइम में एवरीथिंग इज चेंज्ड एंड वी आर यूजिंग दिस एंड वी आर गेटिंग वेरी वंडरफुल रिजल्ट्स। सो ऐसी कोई भी समस्या आपको है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी MRI रिपोर्ट्स भेज के हमारी टीम से फ्री ओपिनियन ले सकते हैं, और आगे भी आपको ऐसा हेल्थ टिप्स मिलती रहे इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।